लेफ्ट से लेना राइट से छोड़ना, लेफ्ट से लेना राइट से छोड़ना, ये चक्कर बनेगा बस, लेफ्ट से लेना राइट से छोड़ना। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप की समस्या बहुत ज़्यादा है। देखो उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर, गुस्सा ज़्यादा जिनको आता है उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, या जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो थोड़ा उसके लिए आज मैं आपको एक प्राणायाम बताऊँगा और एक नुस्खा बताऊँगा, एक एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताऊंगा। तो इन तीनों चीज़ों को यदि आप करते हो तो इंस्टेंट आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है आपका यदि 100, 150, 60, 70, 80 भी रहता है उनके लिए बहुत लाभकारी है। तो आज के इस पूरे सेशन को ध्यान से आप सुन लेना, समझ लेना और इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखना। जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है उस समय भी अप्लाई करके देखोगे तो रिजल्ट इंस्टेंट मिल जाएगा। और जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो इसको रेगुलर करना शुरू कर देना, प्राणायाम को तो खासकर और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को, तो आपको लाभ मिलेगा। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और इस वीडियो को शेयर कर देना जितना हो सकता है, और कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है। चलिए आप शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मैं आपको बताता हूँ एक्यूप्रेशर पॉइंट, उसमें आपको क्या करना है। देखो घर में जो कपड़े सुखाने वाली चटकनियाँ होती हैं, जिनको कपड़े रोकने वाली जो होती है उनको आपके यहाँ क्या कहते हैं, उसको ऐसे पहली उंगली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, अंगूठे में, सब उंगलियों में इस तरीके से उनको लगा देना। यदि बीपी हाई है उस समय पे आप लगा दो उसको ऐसे, और यदि हाई रहता है कभी वैसे रेगुलर में तो आप इनको दिन में एक बार, दो बार, पाँच मिनट के लिए सारी इन पर उंगलियों पर लगा दिया करो, तो वो आपको आराम मिलेगा, इंस्टेंट आराम भी मिलेगा। इसके अलावा एक काम आप करिए, पुदीना आप ले लीजिए, पुदीने की लगभग 15-20 पत्तियाँ आप ले लीजिए, मैं थोड़ा सा पानी डाल करके उसको मिक्सी में अच्छी तरीके से आप चटनी बना लीजिए, या सिलबट्टे पे भी चटनी बना सकते हो पुदीने की, और उसमें 4-5 काली मिर्च या एक चुटकी या दो चुटकी काली मिर्च का पाउडर उसमें डाल दीजिए, और उसी समय पर उसको एक चटनी को बना करके उसको जिसका बीपी हाई है उसको आप खिला दीजिए, तो 5-10 मिनट में आराम मिल जाएगा। तीसरा आपको एक प्राणायाम करना है जिस प्राणायाम का नाम है चंद्रभेदी। चंद्रभेदी प्राणायाम आप समझिए कि हाई ब्लड प्रेशर में रामबाण का काम करता है। करना कैसे है, राइट नोस्टल को प्रेस करिए, लेफ्ट से सांस भरिए अंदर और लेफ्ट को प्रेस करके राइट से छोड़ दीजिए, फिर लेफ्ट से भरिए, राइट से छोड़िए, लेफ्ट से भरिए, राइट से छोड़िए, धीरे धीरे सांस, लेफ्ट से भरिए, राइट से छोड़िए, लेफ्ट से भरिए, राइट से छोड़िए। लेफ्ट स्वर है हमारा चंद्रभेदी, यानी आपको शीतल शीतल सांस अंदर भरना है, और राइट से यानी सूर्यभेदी स्वर से, सूर्य से आप स्वर से आपको छोड़ देना है। आप समझ रहे होंगे तो अनुलोम विलोम है, अनुलोम विलोम का हाफ है, चंद्रभेदी प्राणायाम है। ध्यान से समझना, फिर आप कमेंट करोगे कि ये अनुलोम विलोम है मैं इसको कर रही हूँ। आप चंद्रभेदी करना है यानी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से लेना राइट से छोड़ना, लेफ्ट से लेना राइट से छोड़ना, ये चक्र बनेगा बस, लेफ्ट से लेना राइट से छोड़ना, लेफ्ट से लेना राइट से छोड़ना, यानी उल्टे से लेना और सीधे से छोड़ना। बार बार बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि ध्यान से करेंगे इसको 5 मिनट कर लेना। जिसका बीपी हाई हो रहा है ना उसको आप कराइए, 5 मिनट में आराम मिलेगा, 5 मिनट में केवल। और जिनका लो बीपी रहता है, साथ साथ बता देता हूँ, वो सूर्यवेदी राइट से लेकर के लेफ्ट से छोड़ना, राइट से लेकर के लेफ्ट से छोड़ना। मैं इसके ऊपर सेपरेट एक वीडियो आपको दे दूंगा। तो बस इतना ही आज के लिए, थोड़ा मस्तिष्क को रिलैक्स करके रखिए, शांति में रहिए, आनंद के साथ रहिए, रेगुलर योग अभ्यास करते रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम।